ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा गांव में ग्रामीणों की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं उनका कहना है कि गांव के बिला नाम भूमि पर जनप्रतिनिधियों भूमाफिया ने मिलीभगत कर अवैध रूप से पट्टे काटकर जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया है। इस पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। चित्तौड़गढ़ में कार्यरत मदरसा पैरी टीचर्स ने 22 जुलाई से कार्य बहिष्कार के बाद आज से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार से स्थानीयकरण और न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जिले में कार्यरत विभिन्न मदरसों के पैरी टीचर जिला मुख्यालय पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष यासिन ने बताया कि मदरसों में कार्य करने वाले शिक्षकों को महज 7,000 वेतन दिया जा रहा है, जो कम है, और इसे लेकर शिक्षक आंदोलन भी कर रहे हैं। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरे प्रदेश के शिक्षक जयपुर कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पैरा टीचर मौजूद रहे। जो हम सभी यहां अपनी समस्याओं वाजिब मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि भाई हम 8 से 15 साल कई पैरा टीचरों को हो चुके हैं और हमारा मानदेय बिल्कुल अल्प वेतन मात्र 7,000 रुपये है, जिसमें किसी का घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। हम ये चाहते हैं कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता, जब तक हमारा वेतन कम से कम 25,000 सम्मानजनक दे।